नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बढ़िया रेसिपी में। तो जी चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने आधे घंटे पहले एक कप चावल को जो है भिगल लिया था। आप देख सकते हैं चावल हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से फूल चुकी है। देखिए हाथों से मसलने पर टूट रही है, यानी कि हमारा जो चावल है बहुत ही बढ़िया तरीके से फूल कर तैयार हो चुकी है। तो चावल को आप इस रेसिपी के लिए आधे घंटा पहले भिगो कर रख दे। मैंने यहाँ पे बासमती चावल का इस्तेमाल किया है जो कि बहुत जल्दी भिगकर रेडी हो जाती है। हमने यहाँ पे ले लिया एक मिक्सर जार। मिक्सर जार में चावल की जो पानी है इस तरह से छान कर ले लेनी है। चावल में हम डालेंगे एक इंच अदरक के टुकड़े। मैंने यहाँ पे अदरक के जो टुकड़े है इसे थोड़ा छोटे साइज में काट लिया है ताकि मिक्सर जार में पीसने में आसानी हो। साथ में यहाँ पर लेंगे एक हरी मिर्च। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं। आलू को हमने छील कर ले लिए हैं। आलू को हम मिक्सर जार में इस तरह काट कर डाल देंगे। तो जी चलिए अब सारे सामग्री को मिक्सर जार में पीस कर तैयार कर लेते हैं। जी चावल को हमने यहाँ पर देख सकते हैं पीस कर बिल्कुल रेडी कर लिए है। मिश्रण में अब हम डालेंगे एक मीडियम साइज की बारीक कटा हुआ प्याज, आधी नींबू का रस, स्वाद अनुसार नमक, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चौथा चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच दरदरा कुटी हुई साबुत धनिया, एक चौथा चम्मच काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा यहाँ पे कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे। आप कस्तूरी मेथी की जगह पे हरा धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं मिश्रण हमारा बहुत ही अच्छे से मिक्स होकर बिल्कुल रेडी है। और मिश्रण का आप गाढ़ापन दे सकते हैं, ये बिल्कुल पकौड़े बनाने के लिए परफेक्ट है। यानी आप कोई भी नाश्ते को इस मिश्रण से बनाकर तैयार कर सकते हैं, चाहे वो चीला हो या फिर कोई बिस्किट की टाइप का हो या फिर पकौड़े हो। तो जो भी आपका मन चाहे आप बना सकते हैं। तो इसी तरह की मिश्रण हमें बनाकर तैयार करनी है। नहीं तो ये बहुत ज्यादा पतला है, नहीं बहुत ज्यादा गाढ़ा है। और अगर कभी आपका मिश्रण बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है ना, तो उसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कीजिए, ज्यादा नहीं, एक दो चम्मच। और अगर कभी बहुत ज्यादा पतला हो जाता है तो उसमें आप दो चम्मच सूजी या फिर दो चम्मच गेहूं का आटा भी मिलाकर उस मिश्रण को आप परफेक्ट नाप के साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जी चलिए अब हम जो है आगे की तैयारी कर लेते हैं। जी हमने यहाँ पे ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। आप देख सकते हैं ऑयल हमारा गर्म होकर बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम इन मिश्रण को जो है कुछ इस तरह से डालेंगे, यानी पकौड़े टाइप का। जिस मिश्रण को डाले हुए मीडियम टू लो गैस पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। चलिए एक बार इनको पलट देते हैं। अपने पकौड़े को धीमे गैस पर अलट पलट कर इस तरह 1 से 1.5 मिनट बाद बाद चलाते हुए 4 से 5 मिनट के बीच में फ्राई करके ले लिया है। आप देख पा रहे होंगे पकौड़े का कलर देख कर आपको लग रहा होगा कि हमारे जो पकौड़े हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्राई हो चुके हैं। इसके साथ ही देखने से आपको लग रहा होगा हमारे जो पकौड़े हैं बहुत ही ज्यादा कुरकुरे बनकर बिल्कुल रेडी हुई है। तो जी चलिए अब हम इन पकौड़े को उतार लेते हैं और सेम तरीके से सारे पकौड़े को बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो जी तैयार है हमारे गर्मा गर्म टी टाइम स्नैक्स या फिर पकौड़े। आप इसे किसी भी टाइम या फिर चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। आप इसे ग्रीन चटनी यानी हरा धनिया की चटनी या फिर केचप के साथ भी परोस सकते हैं। तो जी आप भी इस तरीके से एक बार जरूर ट्राई करें। इन मानिए सभी के जो पकौड़े की रेसिपी है ना बहुत ही अच्छी, साथ ही बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी।